रतलाम में दृश्यम फिल्म से भी ज्यादा विभत्स डरावना और रोंगटे खड़े करने वाला नरसंस हत्याकांड सामने आया है। रविवार शाम को कनेरी रोड पर स्थित विद्यावांसिनी कॉलोनी में एक घर में फर्श के नीचे से जो निकला उसे देखकर सभी के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने एक महिला सहित 7 और 3.5 साल के 2 बच्चे के शव बरामद किया। इन बच्चों और उनकी माँ को इन्हीं के पिता ने ही 2 माह पूर्व कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला और फिर अपने ही घर के बरामदे में फर्श के नीचे गाड़ दिया। इसके बाद यह आदमी आराम से इसी घर में रह भी रहा था। इस जघन्य घटना का पता पुलिस को तब चला जब आसपास वालों ने परिवार के गायब होने और हत्या की आशंका पुलिस को जाहिर की। सनसनीखेज तथ्य को देखते हुए पुलिस ने गुपचुप तरीके से जांच को शुरू किया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी खुद हत्या को अंजाम देना कबूल किया। रविवार की सुबह SP अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में शहर के सभी थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ FSL फॉरेंसिक एक्सपर्ट आदि विद्यावांसिनी कॉलोनी में पहुंचे और आरोपी की निशानदेही पर खुदाई शुरू की गई। आरोपी के मकान में जमीन के नीचे से 3 लाश निकली। इनमें से एक शव इसकी दूसरी पत्नी निशा तलवाड़े का है। इसके अलावा 7 साल का मासूम बेटे और 3.5 साल की नन्ही सी बेटी के शव को बरामद किया। यह हत्या सोनू ने ही करीब 2 महीने पहले की थी। सोनू रेलवे में काम करता था और निशा उसकी दूसरी पत्नी के रूप में लिव इन रिलेशन के रूप में रहती थी। आए दिन पति और पत्नी में विवाद होता रहता था। आसपास वालों को 2 महीने से पत्नी और बच्चे नहीं दिखे तो आरोपी ने उनके गुम होने की जानकारी दी, जबकि हकीकत में उसने तीनों की हत्या करके अपने एक साथी बंटी केथवार की मदद से गड्ढे खोद कर तीनों की लाश को घर में ही छुपा दिया था और इसी घर में आराम से रह कर खा पी भी रहे थे। फर्श का जांच शुरू की, एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं एक अन्य साथी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। माणक चौक पुलिस ने मामला दर्ज कर दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। श्रीनगर क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। इसमें ये जो गोपनीय सूत्रों से ये बात पता चली थी कि यहाँ पर एक परिवार में जो पत्नी एवं उसके 2 जो बच्चे हैं, महिला एवं 2 बच्चे, वो विगत कुछ समय से नहीं दिख रहे हैं और कुछ अनहोनी की आशंका लोग इसमें जाहिर कर रहे थे। एक गोपनीय सूचना ऐसे मिली थी आज सुबह सुबह। इस पर उसके जो इस परिवार का जो मुखिया जो पति है उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई थी, तो कुछ समय के बाद उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा एक गंभीर घटना कारित की गई जिसमें उसने अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों की हत्या कर दी है। और हत्या के बाद उसने उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि शव भी उसने अपने घर में ही गड्ढा खोद के वहाँ पर गड़ा दिए हैं और विगत 1.5-2 माह से वो यहीं हैं शव। इसकी वेरीफाई करने के लिए जो विधिवत कार्रवाई आगे की जाती है कि जो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक डॉक्टर एवं जो FSL के जो डॉक्टर्स हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई और यहाँ पर उस टीम के द्वारा घटनास्थल पर आकर उस बताए गए स्थान पर खुदाई की गई तो उसमें से 3 शव बरामद हुए हैं। आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो प्रारंभिक शिनाख्तगी है उसमें ये लग रहा है कि ये वही 3 शव हैं। इसमें PM रिपोर्ट भी आने को है। PM रिपोर्ट जब अब PM होगा, साथ ही साथ इसमें DNA एनालिसिस भी होगा, तो उन सभी चीज़ों से शिनाख्त पुख्ता की जाएगी। परंतु जो प्रारंभिक तौर पे लग रहा है कि जो इसके द्वारा बताई गई घटनाक्रम की कहानी है वो सही प्रतीत हो रही है और इसके द्वारा अपनी बीवी एवं 2 बच्चों की हत्या की गई है। आरोपी कौन है और सहयोगी कौन? आरोपी का नाम सोनू तलवाड़ी है। ये रतलाम का ही रहने वाला है और इसका एक सहयोगी भी है जो जिसका नाम बंटी केथवास के नाम से सामने आया है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सोनू है उस वो मुख्य आरोपी है हत्या में और साथ में इसका जो साथी है उसके द्वारा साक्ष्य को छुपाने में, शवों को दफनाने में इसकी मदद की गई है। बच्चों की उम्र और घटना का मोटिव क्या रहा? प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने आई है, घटना का मोटिव इसने जो पारिवारिक कलह को बताया एवं तात्कालिक कारण को बताया है और उसके बाद जब इसके हाथ से एक बच्चे की हत्या हो गई तो फिर जिसके पास कुल्हाड़ी रहती है घर पे, इसके पास थी वो कुल्हाड़ी और इसने बाकी के दूसरे बच्चे एवं पत्नी की भी हत्या कर दी। बच्चों की उम्र, एक जो बालक है वो 7 वर्ष का है लगभग और बालिका की उम्र लगभग 3.5 से 4 वर्ष की। आरोपी पूर्व में शादीशुदा था? हाँ, ये बात सामने आई है प्रारंभिक पूछताछ में कि ये दूसरी पत्नी है एक तरह से आरोपी की। इसका पहले भी एक विवाह हुआ था और जिसका कोई प्रकरण चल रहा है अलगाव के बाद और उसमें मेंटेनेंस ही दे रहा है, ऐसा इसने खुद अपने कथनों में बताया है। जो पूछताछ में इसको भी हम आगे वेरीफाई। बैकग्राउंड क्या रहा होगा इनका, बैकग्राउंड क्या है? ये रेलवे में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये कर्मचारी हैं यंगमैन की तरह और कार्यरत हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पर 2018 से निवास करते हैं। सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।